बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस सिद्रा, योर मैथ्स टीचर, फाउंडेशन ईयर वन। आई होप यू आर फाइन एंड स्टे होम एंड सेफ होम। और जब भी आप बाहर निकल लोगे, ग्लव्स और मास्क वेयर ज़रूर कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ करिए। ओके, नाउ टुडे वी डूइंग बुक वर्क। दिस इज़ योर मैथ्स बुक, न्यू काउंट डाउन प्रीमियर ए, थर्ड एडिशन। इन लास्ट क्लास वी डूइंग बुक वर्क, कलर द शेप्स, पेज नंबर 8 and 9। यह हमने लास्ट क्लास में वर्क किया था। टुडे वी आर ड्रॉइंग ट्रेस द गिविंग लाइन, बुक पेज नंबर 10 and 11। हम आज क्या करेंगे, ट्रेस द लाइन, यानी हमारे पास लाइंस हैं बुक पेज नंबर 10 में और 11 में, हम बुक राइट उस पर ट्रेसिंग करेंगे। नाउ ओपन योर बुक, ओपन पेज नंबर 10। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन डेट 7, 2020, 7 मंथ ऑफ जुलाई, और 2020 क्या है, हमारा ईयर है। नाउ यूनिट 3, लाइंस, स्ट्रेट लाइंस। इसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमारे पास लाइंस दी हुई है, तो हमें इनमें क्या करना है, ट्रेसिंग करनी है। ट्रेस द गिविंग लाइंस, ये हमें लाइंस दी हुई है, हमें इनमें क्या करनी है, ट्रेसिंग करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल शार्प योर पेंसिल, सबकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए, इससे आपका ये होगा कि वर्क बहुत अच्छा और नीट एंड क्लीन होगा और प्रॉपर ट्रेसिंग होगी। नाउ कीप द पेंसिल ऑन फर्स्ट पॉइंट एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। बिल्कुल प्रॉपर ट्रेसिंग होनी चाहिए लाइक दिस, कहीं से मेरा आउट नहीं हुआ है। इसी तरीके से आपका भी कहीं से आउट नहीं हो, बिल्कुल प्रॉपर ट्रेसिंग होनी चाहिए ताकि आपका वर्क और नीट एंड क्लीन हो। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन लाइक दिस। अगर आपकी पेंसिल शार्प नहीं होगी तो जो है आपका वर्क अच्छा नहीं होगा, तो आपको अपनी पेंसिल शार्प हर वर्क करने से पहले, चाहे मैथ्स हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, अपनी पेंसिल शार्प ज़रूर करनी है। ओके, नाउ इसी तरह ये सारी लाइन्स दी हुई हैं, इनसे हमें ट्रेसिंग करनी है लाइक दिस। ओके, ये ट्रेस लाइन इसलिए आपको दी हुई है ताकि आपको ट्रेसिंग करना है प्रॉपर, आपको लिखना है कि किस तरह लिखते हैं, इस वजह से आपको ट्रेसिंग लाइंस दी हुई है ताकि आपको पेंसिल होल्ड करना है लाइक दिस। ओके, नाउ और अगर कहीं से भी ज़रा सा भी ट्रेसिंग से आउट हो जाए तो आप जो है उसको इरेज कर देंगे। ओके, ये हो गई हमारी स्ट्रेट लाइंस। नाउ ये हल्की सी कर्व है, यानी हल्की सी, ओ सॉरी कर्व नहीं है, हल्की सी स्लाइड है, यानी हल्की सी टेढ़ी है, तो हम इनको इस तरह से ले जाएंगे। ये स्ट्रेट लाइन थी, ये हल्की सी स्लाइड में आ रही है, सो इसको इस तरीके से करेंगे लाइक दिस। है तो ये भी स्ट्रेट लाइन क्योंकि बिल्कुल सीधी आ रही है, लेकिन थोड़ी सी टेढ़ी है, तो इस वजह से इसको इस तरह, इसमें हम इस तरह से ट्रेसिंग करेंगे। ये हल्का सा मेरा आउट भी हो रहा है, मुझे लग रहा है, तो मैं उसको इरेज करूँगी इस तरह। अगर आपका भी ये हो रहा है तो आप उसको इरेज करें इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट, बिल्कुल स्लो स्लो वर्क करना है, ये नहीं कि जल्दी करके बस आपका वर्क फिनिश हो गया, हमने कर दिया। आराम से सुकून से वर्क करना है ताकि आपका वर्क नीट एंड क्लीन हो लाइक दिस। नाउ अब हमारे पास और डिफरेंट लाइन दी हुई है, हम इन पे भी ट्रेसिंग करेंगे। ओके, लाइक दिस। ट्रेसिंग ऐसी भी नहीं होगी आपका पेज फट जाए, तो बिल्कुल प्रॉपर ट्रेसिंग होनी चाहिए कि आप इतने ज़ोर से पेंसिल होल्ड करके वर्क कर रहे हैं कि आपका पेपर फट जाए, तो बुक बिल्कुल ख़राब नहीं होनी चाहिए। ओके, ये हमारी ट्रेसिंग फिनिश हो गई। नाउ नेक्स्ट इज ट्रेस द पिक्चर एंड देन कलर। हमें क्या करना है, ये हमारे पास पिक्चर दी है, ठीक है, और हम इसमें क्या कर रहे हैं, पिक्चर पे ट्रेसिंग करनी है, देन हमें कलरिंग करनी है, ठीक।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जिस तरह भी स्ट्रेट लाइन ट्रेसिंग करी थी हम वैसे ही ट्रेसिंग करेंगे लाइक दिस. ओके कम डाउन यहाँ से. ओके नाउ जिस तरह ये हल्की सी स्लाइड में थी इसी तरीके से ये लाइन्स होंगी. ओके लाइक दिस. एनीवन नोज ये कौन सी पिक्चर है, किसी को पता है? ये क्रिसमस ट्री है. ओके ओके बिल्कुल प्रॉपर ट्रेसिंग होनी चाहिए लाइक दिस. ओके इस पिक्चर की ट्रेसिंग फिनिश हो गई. नाउ लुक एट अनदर पिक्चर. दिस इज इस पे भी हमें ट्रेसिंग करनी है. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ स्ट्रेट लाइन कम डाउन इस तरीके से. ओके गो बैक नाउ ड्रॉ स्ट्रेट लाइन अगेन. ओके Which picture is this? This is a herd. Okay, now. अब हमें इस पर ट्रेसिंग करने के बाद क्या करना था? कलर करना था. What we doing? Coloring. Take a color. Okay, this is a tree. तो tree पे कौन सा कलर होता है? Tree पे green color होता है. Take a green color and do coloring. Start coloring. ट्रेसिंग अच्छी होगी तो फिर आप कलरिंग भी अच्छी कर पाएंगे क्योंकि आपकी बिल्कुल प्रॉपर लाइन पे ट्रेसिंग होगी तो इस वजह से आपकी आउटलाइन बहुत अच्छी बनी हुई होगी. ठीक है इस तरीके से कलर करेंगे. लाइक दिस. कहीं से आपकी पिक्चर से कलर आउट नहीं होना चाहिए. अगर पिक्चर से कलर आउट होगा तो बहुत मैसी मैसी लगेगा यानी गंदा लगेगा ख़राब लगेगा. ठीक है ये तो हो गया हमारे ट्री पे कलर. अब इसकी वुड पे कलर करना है. ये इसकी नीचे की वुड है तो वुड पे हम ब्राउन कलर करेंगे. ओके टेक अ ब्राउन कलर. बिल्कुल एक ही सीक्वेंस में रखना है अप एंड डाउन लेफ्ट राइट. जिस तरह आप करना चाहते हैं लेफ्ट राइट करना चाहते हैं लेफ्ट राइट करें लाइक दिस. अप एंड डाउन करना चाहते हैं इस तरह लेकिन एक ही सीक्वेंस कोशिश करिएगा एक ही सीक्वेंस में रहे ताकि आपका कलर नीट एंड क्लीन हो. ओके लाइक दिस. ओके नाउ लुक एट अनदर पिक्चर. हमारे पास कौन सी दूसरी पिक्चर है? दिस इज अ हर्ट. इसमें भी कोई सा भी कलर आप लेके कर सकते हैं लेकिन मैंने इस तरह दिया है ब्लू कलर. तो आपको जो भी कलर पसंद है वो आप ले ए करेंगे और मुझे बताएंगे आपने कौन सा कलर करा है यहाँ पर. ठीक है आई हैव ब्लू कलर. मैं ब्लू कलर कर रही हूँ सही. नाउ आई टेक अनदर कलर. विच कलर इज दिस? दिस इज अ पिंक कलर. विच कलर? पिंक कलर. Now start coloring. Like this. मेरा पिक्चर से आउट नहीं हो रहा है. आप लोग का भी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. नीट एंड क्लीन कलर हो और जहाँ पे हल्का हल्का वाइट वाइट आ रहा है तो वहाँ मैं फिल करूँगी इस तरीके से. जिस तरह मुझे यहाँ हल्का हल्का वाइट वाइट दिख रहा है तो मैं फिल कर रही हूँ तो आप भी इस तरह से फिल करेंगे लाइक दिस. ओके
Okay. Now, book page number 10 is finished. Now look at another page. Open page number 11. Look at page number 11. Now we kya karna hai? What we are doing? Zigzag lines. We have different type of lines. ठीक है. First of all, put date here. 7 is a month of July. 2020 is a year. Zigzag line. What is a zigzag? Zigzag means यानी टेढ़ा मेढ़ा, यानी जिस तरह ये दिख रहा है, इस ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है फिर ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, इस तरह इसे कहते हैं zigzag line. ठीक है. Now trace the dots line dotted line to make zigzag. हमें क्या करना है? Dotted line जो है ये, इनको हमें ट्रेस करना है ताकि zigzag बन सके. ठीक. ये जो डॉटेड लाइन दी हुई है इनको हमें ट्रेस करना है ताकि ये zigzag बन सके. ये है zigzag जो ऐसे कहलाता है. ठीक. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये दिखा रही हूँ. विच पिक्चर इज दिस? दिस इज़ अ काइट. और ये हमारे पास बहुत सारी काइट्स हैं आपस में ज्वाइन हुई हैं, तो हमें इनको ट्रेस करना है. नाउ टेक अ पेंसिल. फर्स्ट ऑफ ऑल शार्प योर पेंसिल एंड स्टार्ट ट्रेसिंग. कीप दिस पॉइंट एंड गो अप. ओके. नाउ कम डाउन. अगेन गो अप. एंड कम डाउन. अगेन गो अप एंड कम डाउन. अगेन गो अप एंड कम डाउन. नाउ इन द नेक्स्ट कीप दिस पॉइंट कम डाउन गो अप. अगेन कम डाउन. मेरा लाइन से आउट हो रहा है हल्का सा. ओके. अगेन गो अप then come down. Again go up, come down. Again go up. ये हमारी kites की tracing finish हो गई है. Now look at another picture. I think this is board. So हमें ये boards भी आपस में join हुई हैं, तो हमें इनका भी zigzag डॉटेड कंप्लीट करना है. नाउ ट्रेस इट. अगेन गो अप कम डाउन. गो अप कम डाउन लाइक दिस. गो अप कम डाउन. गो अप कम डाउन. ओके. ये फिनिश हो गई. लुक एट अनदर पिक्चर. दिस इज़ अ आइसक्रीम. दीज आर आइसक्रीम्स. सो आइसक्रीम की जो कोन है इनको, ये भी हमें ज्वाइन हुई नहीं है, तो इनका भी zigzag हमें फिनिश करना है लाइक दिस. कम डाउन. गो अप. नाउ कम डाउन. Go up, come down, go up, come down, go up. Okay. If you want to color, so take a color and start coloring. अगर आपका color करने का दिल चाह रहा है वैसे कर लीजिएगा, अच्छी बात है, अच्छा लगेगा. Now take a color and coloring. ओके लाइक दिस. बिल्कुल नीट एंड क्लीन प्रॉपर कलरिंग होनी चाहिए इस तरीके से. ओके.
ओके, ये मैंने अपने कलर कर लिया है। अगर आप भी कलर करना चाह रहे हैं तो आप भी कलर कर के लिए टेक अ पिक्चर एंड सेंड मी, देन आई गिव यू स्टार ऑन योर पिक्चर। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।